अपनी आवाज से पूरे देश में धूम मचाने वाले जुबिन नौटियाल ने इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड 2022 अबू धाबी में बेस्ट प्ले बैक सिंगर मेल अवार्ड जीता है। बता दें कि अवार्ड फंक्शन अबू धाबी में हुआ था, जिसमें कई देशों के अभिनेता, गायक व डायरेक्टर ने भी शिरकत की थी और यह आईफा अवार्ड का 22वां फंक्शन था जो 3 और 4 जून को संपन्न हुआ। अवार्ड जीतने पर जुबिन नौटियाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी। जुबिन नौटियाल अपनी सुरीली आवाज से पूरे देश में जाने जाते हैं और पिछले कई वर्षों से उनके द्वारा गाए गए पूरे देश में धूम मचाने के साथ हर किसी की जुबान पर है। आज जुबिन नौटियाल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हैं जुबिन नौटियाल ने कहा कि आईफा बहुत बड़ा अवार्ड है, लोग इस अवार्ड के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और वे अपने साथ उत्तराखंड का नाम भी साथ लेकर गए। आज आईफा अवार्ड जीतने के बाद पहली बार मैं उत्तराखंड आया हूं, जहां वे परिवार व मित्रों के साथ समय बिताएंगे और कार्यक्रम भी सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला भी उत्तराखंड पहुंची, जहां वह निजी कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। आईफा एक बहुत बड़ा अवार्ड है और बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं उस अवार्ड के लिए, और मेरी उपलब्धि सबसे ज़्यादा ये है कि उत्तराखंड, सिर्फ अपना नहीं उत्तराखंड का नाम भी साथ लेके गया हूँ आईफा में, अपने माता पिता के साथ गया हूँ आईफा में और अवार्ड अनाउंस हुआ है, अवार्ड लेकर के आया हूँ और पहला शायद ट्रिप लगाया है वापस मैंने आईफा के बाद, पहली बार मौका मिला आने का, तो अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया हूँ मैं। बिल्कुल